गुजरात में आज बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां, प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी तीन तीन रैलियों को करेंगे संबोधित, गृहमंत्री अमित शाह की भी चार रैलियां। बिहार के वैशाली में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंदा, 8 लोगों की हुई मौत, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। श्रद्धा मर्डर केस में सबूतों को खोजने के लिए पुलिस का तलाशी अभियान जारी, मैदानगढ़ी इलाके के एक तालाब में शव का सिर होने की आशंका, नार्को टेस्ट की भी तैयारी तेज। मंगलुरु ऑटो ब्लास्ट मामले में पीएफआई और आईएसआईएस एंगल की जांच में जुटी सेंट्रल एजेंसियां, घायल आरोपी की जानकारी पर कर्नाटक और तमिलनाडु में छापेमारी। विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक पहुंचा कतर, एफआईएफआई वर्ल्ड कप के दौरान मजहबी तस्करी के लिए कतर ने दिया न्योता, भारत में 2016 से प्रतिबंधित। पाकिस्तान सीमा के पास बीकानेर में युद्धाभ्यास शत्रुनाश की शुरुआत, भारतीय सेना के कई टैंक और वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर हुए शामिल। महाराष्ट्र के पुणे में सड़क हादसे में कई लोग घायल, एक्सप्रेसवे पर हुई 48 गाड़ियों की भिड़ंत, ब्रेक फेल होने के बाद टैंकर ने मारी टक्कर। गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में आज से भारतीय पैनोरमा की शुरुआत, 25 फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्मों का होगा प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी होंगे शामिल। न्यूज 18 इंडिया लगातार बना हुआ है देश का नंबर वन न्यूज चैनल, काफी पीछे छूटा आज तक, दर्शकों ने खबरों के लिए न्यूज 18 इंडिया पर जताया भरोसा। आज तक को पछाड़, न्यूज 18 इंडिया बना भारत का नंबर वन न्यूज चैनल, देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया।